ब्लेन टूल्स का यूज करना है आपको। यहाँ पे हम ले लेंगे, फिर शेप टूल्स का यूज करना है। यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट करके, यहाँ पे देखिए कन्वर्ट लाइन टू कर्व शो करेगा आपको, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। डिजाइनिंग बना लेना है आपको, थोड़ा सा खूबसूरत लगे। फिर यहाँ पॉइंटर सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल प्लस डी बटन प्रेस करना है और इधर लेके आना है। कंट्रोल कर्सर कंट्रोल की के हेल्प से आप इसे, और इसे थोड़ा सा ये आपका हो गया। इस पर कलर सेलेक्ट कर लीजिए राइट क्लिक करके, यहाँ भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कलर आपको लेना है आप ले सकते हैं। और दोनों को मिला लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्लिन टूल्स का यूज करना है। देखिए आपका ब्लिन टूल्स आ गया, इससे इसे मिला देना है। जैसे हम यहाँ पे मिलाएंगे, देखिए क्या आपका पॉइंटर अब इसे कंट्रोल डी के हेल्प से इसे और छोटा कर लीजिए, और इस पे कलर पे जाके राइट क्लिक करना है। देखिए आपको कलर आ गया इस तरह से, यहाँ पे मिलाना है। और यहाँ से भी फिर से कंट्रोल डी करना है, कंट्रोल डी करके इसका कलर चेंज कर देना है आपको, कोई भी कलर ले लीजिए और यहाँ इसे एडजस्ट करना है। इसमें और डिजाइनिंग इस टाइप से आप बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका बन रहा है डिजाइनिंग, खूबसूरत भी लग रहा है फ्लावर पॉट। फिर उसके बाद आप यहाँ से एक लाइनिंग और लीजिए और शेप टूल्स की मदद से आप फिर से इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करके यहाँ पे रोटेट करना है, मूव कर देना है इसको, देखिए इस तरह से हो गया। फिर पॉइंटर के हेल्प से आप इसे कंट्रोल डी कर लीजिएगा। कंट्रोल डी करने के बाद कलर ले लीजिए और इससे हम पॉइंट को मिला लेंगे। सेम प्रोसेस करना है, देखिए आपका मिल गया, यहाँ आ जाएगा आपका, इस टाइप से बना लेंगे। इसका कंट्रोल डी करके और हम दो चार पार्ट और रख लेंगे। डबल क्लिक करके इसे रोटेट भी कर सकते हैं आप, फिर कंट्रोल डी करेंगे। इस तरह से आप इसको रोटेट कर लिए, फिर फ्लावर पत्ते डिजाइनिंग आप ये सब बना सकते हैं। तो उसके लिए हम बजर टूल्स ले लेंगे और शेप टूल्स की मदद से इसे एक शेप का रूप दे देते हैं। यहाँ पे कन्वर्ट लाइन टू कर्व से शेप डिजाइन कर लेंगे। फिर इस पर कलर कर लीजिए आप राइट क्लिक करके, कंट्रोल डी से फिर से इस पर कलर कर लेना है और मिरर बटन की हेल्प से इसे पलट दीजिए।
और डबल क्लिक करना है आपको। फिर यहाँ ब्लेंड टूल्स से इसे ऐड कर देना आपको। अब यहाँ पॉइंटर लेना है, इसे इस तरह से मोड़ लेना है। फिर इसे कंट्रोल डी कीजिएगा और इसे छोटा कर लीजिए। फिर सेलेक्ट कर लीजिए इसे और डबल क्लिक करके इसे रोटेट। फिर डबल क्लिक कीजिए। और फिर से इस तरह से रोटेट करें। ये आपका फ्लावर बन गया। फिर से एक शेप और बनाइए जो एकदम पत्ते के शेप में हो। सॉरी, और शेप टूल्स के हेल्प से इसे इस तरह से ऊपर की ओर लेके जाना है। फिर पॉइंटर से इसे कंट्रोल डी कर लीजिए, इसका डबल कर लीजिए और इधर से पलट भी सकते हैं आप। इसे डबल क्लिक करके इसे रोटेट करके मिला लीजिए। बहुत ही इजी तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ऐसे मैं तो बहुत तरह से इसे कर सकती थी, पर आपको ऐसा बता रही हूँ कि ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। इस तरह से पॉइंट को मिला लेना है। कलर हम ग्रीन कर लेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और यहाँ पर हम ब्लेंड टूल्स मिला लीजिए। अच्छा, आपका मिल गया, खूबसूरत भी लग रहा है। अब यहाँ पे पत्ते दे देंगे, फिर एक कंट्रोल डी से इसे पत्ते का शेप दे देंगे और कंट्रोल डी से ले लेना है और इस तरह से इसे मूव करना है। फिर कंट्रोल डी लीजिएगा और इसे साइज थोड़ा सा छोटा कर देना है। आपका फ्लावर पॉट बन के रेडी है। अब हम पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से।